اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صل على محمد محمد الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّاهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صلى الله على محمد परवरदिगार अपने कलाम मोजज़ा में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ पैगंबर वो वक्त याद कीजिए कि जब इब्राहीम के परवरदिगार ने कुछ कलिमात के ज़रिए उनका इम्तिहान लिया और कामयाबी के बाद उन्हें मनसबे इमामत अता किया और जब नस्ल के लिए उन्होंने मनसबे इमामत का सवाल किया तो कुदरत ने आवाज़ दी कि हमारा ये मनसब ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। औलाद की तरफ तवज्जो होना ये यकीनन होना चाहिए और अंबिया मुरसलीन सालिहीन औलिया सब ने औलाद की तमन्ना की है और जिसे भी परवरदिगार ने इनमें औलाद से नवाजा है उसने अपनी औलाद को परवान चढ़ाने में तरबियत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज भी अल्लाह जिसे इस नेमत से नवाजता है वो माँ बाप
पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारी औलाद नेक और सालेह हो। अलबत्ता कहीं कहीं ये मुश्किल पैदा हो जाती है कि तरबियत सही तरीक़े से कैसे की जाए और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं गलती हो जाती है। अगरचे माँ बाप की मुकम्मल ख्वाहिश ये होती है और आरज़ू ये होती है और जितना उनसे मुमकिन होता है वो करते भी हैं, और जैसे जैसे औलाद बड़ी होती है और उन्हें खुशी और सुरूर का एहसास होता है, हत्ता के जब बच्चा शरारत करता है, कोई गलती करता है, तो माँ बाप कसरत मोहब्बत की वजह से उस शरारत को भी बच्चे की मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि चूंकि माँ बाप से औलाद की जो मोहब्बत है वो बहुत शदीद मोहब्बत है, दीनी एतबार से भी, जज्बाती एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, रूहानी और नफसानी एतबार से भी, लेकिन औलाद की मोहब्बत जो माँ बाप से पाई जाती है, वहाँ यकीनन मोहब्बत होती है औलाद को अपने माँ बाप से, मगर दोनों मोहब्बतों में फ़र्क पाया जाता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद ने औलाद को माँ बाप के साथ नेकी का हुक्म दिया है, वहाँ कोई बंदिश नहीं लगाई है कि कितना और किस हद तक, बल्कि जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी जब तक आदमी बाकी है उस वक्त तक अपने माँ बाप के लिए कार्य खैर, अमल खैर, नेकियाँ कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम ये जुमला अपनी जबान पर दोहराए जिसे आपकी खिदमत में अर्ज किया जा चुका है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लिहाजा औलाद के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो माँ बाप के साथ कितना एहसान करें, और बार बार कुरान मजीद ने तवज्जो दिलाई है औलाद को माँ बाप के साथ एहसान करने के लिए, बल्कि एक मंजिल पर यहां तक परवरदिगार ने आवाज दी कि अनिश्कुर ली वले वालदैक, मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार बनो, उनका भी शुक्रिया अदा करो। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो कुरान मजीद ने जगह जगह माँ बाप को टहोका दिया है और उन्हें गोया उनकी मोहब्बत और उनकी जो ममता है उसे ब्रेक दी है, कभी ये कह के, क्योंकि माँ बाप में जो मोहब्बत पाई जाती है औलाद के हवाले से वो बे इंतहा शदीद होती है कि माँ बाप अपना सब कुछ औलाद के लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं और कुर्बान करते भी हैं, जो है उनके पास वो सब औलाद के लिए हाजिर है। लिहाजा कुरान मजीद ने कहीं ये कह के रोका कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अलबत्ता ये वो फितना नहीं है जो हम और आप समझते हैं, यहां फितना आजमाइश और सामान इम्तिहान के माना में इस्तेमाल हुआ है कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश और इम्तिहान का सामान है। औलाद की मोहब्बत यकीनन अहम शय है और औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने वालिदैन के ऊपर रखी है और वालिदैन इस जिम्मेदारी को अदा भी करते हैं और पूरा भी करते हैं, और न सिर्फ माँ बाप को परवरदिगार ने जिम्मेदारी सौंपी है एक फरीजे के तौर पर, बल्कि परवरदिगार ने माँ बाप की खिलकत में, उनके वजूद में, उनके नेचर और फितरत में औलाद से मोहब्बत और उनकी तरबियत और उनकी परवरिश को उनके नेचर में रखा है परवरदिगार ने। इसीलिए आप देखें कि
दुनिया ए गर्ब जहां बाज अफराद या बाज ख्वातीन को किसी वजह से भी अगर इस अम्र से रोक दिया गया, जो नेचुरल और फितरी चीज है उनके अंदर के औलाद की तरबियत, उनसे मोहब्बत और उन्हें अपने आगोश में पालना, अगर कहीं रोक दिया गया है तो वो फितरी चीज जो परवरदिगार ने औरतों के अंदर रखी है उनके वजूद में, अपनी उस फितरत को वो हैवानों से पूरा करती है। कहीं कुत्ते के बच्चे को गोद में लिया है, कहीं बिल्ली के बच्चे को गोद में लिया है, कहीं किसी और जानवर को गोद में लिया है। ये क्यों है? इसलिए कि उसके फितरत में जो चीज अल्लाह ने रखी है उसे तो उसे पूरा करना है, चाहे सही रास्ते से पूरा करे चाहे गलत रास्ते से पूरा करे। अगर फितरी तौर पर औलाद के जरिए ये फितरत पूरी हो जाती तो जो चीज उसकी फितरत और नेचर में है उसे सही रास्ते से पूरा किया उसने। लेकिन चूंकि समाज ने, माशरे ने, कल्चर ने, सकाफत ने उसे इस चीज से दूर कर दिया, इसे गलत उसकी निगाहों में बना के पेश किया, तो अब वो अपनी इस फितरत को दूसरे रास्ते से पूरा कर रही है। बिल्कुल वैसे ही, अलबत्ता बात थोड़ा सा शायद मुनासिब ना हो, कि जिस तरह से अल्लाह ने इंसान के अंदर जिंसी ख्वाहिश उसकी फितरत में, नेचर में रखी है, अगर हलाल रास्ते से वो पूरी ना हो सकी तो आदमी गलत रास्ते की तरफ जाएगा। आदमी जिसे भूख लगी है, भूख जो इंसान के अंदर और वजूद की ख्वाहिश है, अंदर से ये ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो रही, ऐसा नहीं कि बाहर से किसी ने ये चीज उसके ऊपर थोप दी है, लाद दी है, बल्कि उसका वजूद जब भूख महसूस करेगा तो अगर हलाल रास्ते से मिल गया पेट भरने के लिए और इस फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तो पूरा करेगा, और अगर हलाल रास्ता न मयसर हो सका तो गलत काम की तरफ जाएगा, गलत रास्ते से चोरी करेगा, दूसरे रास्ते अख्तियार करेगा। किस लिए? ताकि अपने पेट की भूख को मिटा सके, जो फितरत का तकाजा है उसकी, उसको पूरा कर सके। वही सूरत हाल जिंसी ख्वाहिशात के बारे में है कि अगर इंसान को सही और हकीकी रास्ता मिल गया वाकई और हलाल रास्ता, तो उस रास्ते से वो अपनी इस नेचुरल और फितरत में पाई जाने वाली ख्वाहिश को पूरा करेगा, और अगर वो रास्ता उसके लिए पाबंदियों का भरा रहा या नहीं मयसर हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि अपनी इस फितरत को कुचल देगा, नहीं, ये फितरत वो पूरी करेगा चाहे गलत रास्ते की तरफ जाए। वैसे ही अब एक औरत और एक खातून जिसकी फितरत में परवरदिगार ने रखा है कि उसकी आगोश में एक बच्चा हो जिसकी वो तरबियत करे, जिसको अपनी मोहब्बतें, अपनी ममता जिस पर वो निसार कर सके, अगर वो रास्ता नहीं मिला तो दूसरे रास्ते अख्तियार करेगी। लिहाजा औलाद से मोहब्बत, शदीद मोहब्बत इंसान के अंदर पाई जाती है, और कभी कभी औलाद की मोहब्बत के नतीजे में इंसान चूंकि इलाही अहकामात से दूर होने लगता है, इसीलिए कुरान मजीद ने जगह जगह रोका है। कभी यह कह के तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए सामान्य आजमाइश है, लिहाजा एक हद तक मोहब्बत का इजहार हो, लेकिन जहां से अल्लाह के हुक्म की मुखालफत लाजिम आने लगे अब वहां से औलाद की मोहब्बत में रोक लगनी चाहिए। इसी सूरह जुमा में, जिसका आज दिन था और हम और आप पढ़ते हैं नमाज जुमा में, या वैसे भी मुस्तहब है शबे जुमा में भी इसकी तिलावत नमाज मगरिब में, और रोजे जुमा इसकी तिलावत मुस्तहब करार दी गई है, उस सूरे में और उसके बाद का सूरा जो रोजे जुमा पढ़ने की जिसको ताकीद की गई है, जिसे सूरह मुनाफिकून कहा जाता है, नमाज जुमा में भी पढ़ने की उसकी इस्तेहबाब और ताकीद की गई है के ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखो ये तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना बना दे।
लिहाजा इंसान चूंकि औलाद की मोहब्बत में शिद्दत के मरहले में इस हद तक पहुंच सकता था कि राह खुदा और जिक्र खुदा के लिए मोहब्बत की औलाद की मोहब्बत माने बन जाए, तो कुरान मजीद ने वहां पाबंदी लगा दी कि औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन अगर औलाद से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, जिक्र परवरदिगार से, अल्लाह की याद में रुकावट बनने लगे तो वहां से फिर पाबंदी लग जाएगी कि अब वहीं से मोहब्बत को पीछे करना पड़ेगा। लिहाजा और बहुत सारे ऐसे अफराद आपको तारीख में मिलेंगे जो खुद बहुत ठीक थे लेकिन औलाद की मोहब्बत में खराब हुए। एक नमूना आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जुबैर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम के फूफीजाद भाई, पैगंबर के फूफीजाद भाई जुबैर, इतनी मोहब्बत अहले बैत से, इतनी मोहब्बत अहले बैत से के शहजादी कायनात के घर में अमीर अल मोमिनीन के बैतुश्शरफ में जिन लोगों ने बैत से इनकार किया था और बैत नहीं की थी खलीफा अव्वल के उनवान से, हाकिम अव्वल की, उन लोगों ने अमीर अल मोमिनीन के घर में, शहजादी के घर में जिन 7 और 6 लोगों ने पनाह ले रखी है या एहतसाब किया है, एहतजाज किया है जिन लोगों ने, उनमें ये जुबैर भी शामिल है कि जब शहजादी के घर के ऊपर हमला हुआ है और आए लोग घर जलाने के लिए, अलबत्ता ये हमला एक दफा नहीं कई दफा हुआ, तो जुबैर अपनी तलवार लेके उनके ऊपर टूट पड़ना चाहते थे लेकिन पैर स्लीप हुआ और गिरे, तलवार हाथ से छूट गई, लोगों ने पकड़ लिया इन्होंने, इनको फसादियों ने जो आग लगाने आए थे, जो तहदीद करने आए थे। ये जुबैर वो इंसान है जो जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार था अहले बैत के लिए। चंद सालों में 25-26 साल का अरसा गुजरा होगा, यही जुबैर जब इसका बेटा बड़ा हो गया जुबैर का, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, तो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने अपने बाप के किरदार को मजरूह किया और इस बेटे की मोहब्बत में, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की मोहब्बत में जुबैर इतना आगे बढ़ गए कि अब जंग जमल में अमीर अल मोमिनीन के लश्कर के सामने आ गए, अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में आ गए। कोई तसव्वुर कर सकता है कि कल तक जो अमीर अल मोमिनीन का, 25 साल पहले जो अमीर अल मोमिनीन का ऐसा शदीद हामी रहा हो, वो अली के मुकाबले में आ जाएगा, मौला के मुकाबले में आ जाएगा, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन औलाद ने इस हद तक पहुंचा दिया, या औलाद की मोहब्बत ने इस हद तक पहुंचा दिया कि वही जुबैर जो चौथे खलीफा के उनवान से, अलबत्ता बैत उनकी पहले से थी अमीर अल मोमिनीन के लिए, विलायत तो कबूल करते थे, लेकिन जब खलीफा सेवन के कत्ल के बाद मुसलमानों ने अमूमी बैत की अमीर अल मोमिनीन के हाथों पर चंद अफराद के अलावा, तो सबसे पहले बैत करने वालों में ये जुबैर शामिल हैं। ये चंद महीनों में क्या हो गया, बैत सन 35 या 36 हिजरी में हुई और सन 36 ही में जंग जमल भी हुई। चंद महीने में ऐसा बदलाव कि नक्श बैत के मुजरिम भी हुए, बैत भी तोड़ी, जमल में आ गए और जमल में आम उनवान से नहीं बल्कि एक लीडर के उनवान से जमल में आए कि जमल के सरबरा और लीडरों में उम्मुल मोमिनीन के अलावा ये दो अफराद भी शामिल थे, तलहा और जुबैर। लिहाजा आम हैसियत से नहीं बल्कि गोया जंग को लीड करने के उनवान से मैदान जंग में आए। और जब अमीर अल मोमिनीन ने याद दिलाया या किसी और ने याद दिलाया इसी मैदान जमल में, तो जुबैर वापस तो चले गए, लड़े नहीं,
उस लश्कर के साथ, हजरत अली के लश्कर के खिलाफ। लेकिन तारीख कहती है कि बहुत बुरी मौत हुई। अर्ज करने का मकसद यह है कि औलाद की मोहब्बत इंसान को कभी हो सकता है कि दीन से बरगश्ता कर दे, दीन से मुनहरिफ कर दे। इसीलिए कुरान मजीद ने जगह जगह टहोका दिया है कि देखो तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत राय खुदा से माने ना बने, जिक्र खुदा से माने ना बने। जब माँ बाप औलाद की तरबियत करते हैं, बच्चा जब चलने लगता है, बड़ा होता है, तो माँ बाप को खुशी महसूस होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, माँ बाप खुश होते हैं। और माँ बाप की खुशी का आखिरी लम्हा वो होता है जिसे रिवायत में भी कहा गया कि इंसान के खुशी के लम्हात में एक लम्हा वो भी है कि जब एक बाप अपने सामने अपने जवान बेटे को देखता है तो वो फरहत उसे महसूस होती है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, जिसे सोचा नहीं जा सकता है। जब आम इंसान अपने जवान बेटे को देख के ऐसी फरहत महसूस करता है तो फरजंद रसूल इमाम हुसैन का जवान जब उनके सामने आता होगा, ये कोई मामूली जवान नहीं था। अजीजों, उमूमन हम मसाइब सिर्फ सुनते हैं हुसैन के इस नौजवान की, और इमाम हुसैन को इतनी शदीद मोहब्बत है अपने वालिद बुजुर्गवार से भी, अपनी मादरे गिरामी से भी, कि जितनी बेटियां इमाम हुसैन को परवरदगार ने दी सबका नाम फातिमा रखा, फातिमा कुबरा, फातिमा सोहरा। और ये पहचानने के लिए कि छोटी कौन है, बड़ी कौन है, सोहरा और कुबरा और या सकीना, जो लकब है सिर्फ पुकारने का, नाम असल उनका भी फातिमा है। जितनी बेटियां दी सबका नाम अपनी मादरे गिरामी के नाम पर फातिमा रखा है इमाम हुसैन ने। और जितने बेटे अता किए इमाम हुसैन को परवरदेगार ने, सब बेटों का नाम अपने वालिद के नाम पर अली नाम रखा, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। नाम सबका अली है, सिर्फ पहचानने के लिए यह सिफत लगाई गई है कि ये अकबर हैं, ये असगर हैं, ये औसत हैं। बल्कि रिवायत में यहां तक जुमला मौजूद है कि जब किसी ने एतराज किया कि इमाम हुसैन ने अपने सारे बेटों के नाम अली क्यों रखे हैं, तो इमाम ने या इमाम के बेटे चौथे इमाम ने, यह तर्दीद मेरी तरफ से है, या इमाम ने फरमाया खुद या चौथे इमाम ने फरमाया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को परवरदेगार 100 बेटे भी देता तो सबका नाम हुसैन अली रखते अपने बाबा के नाम पर। हुसैन ने बड़ी मेहनत और जांफिशानी से पाला है इस जवान को जिसे अली अकबर कहा जाता है। आप सुनते हैं मरसियों में, नौहों में, सलाम में, सोज में, जाकिरीन से मिंबर पर, मसाइब में, कि अली अकबर को हम शक्ल पैगंबर कहा जाता है, शबी है पैगंबर, यानी पैगंबर से मुशाबे। ऐसा नहीं है कि जनाब अली अकबर पहली मुशाबेत रखने वाले हो पैगंबर से। जनाब अली अकबर जिनका, जिनके कर्म, जिनके फजाइल, जिनके कमालात का एतराफ दुश्मन को भी है। अमीर शाम ने अपने दरबार में, अपनी जिंदगी में, अपने दरबारियों और हवारियों के दरमियान ये पूछा कि ये बताओ तुम्हारी निगाह में इस हुकूमत का ज्यादा सजावार और हकदार कौन है। तो सारे चापलूस और दस्तरखान से फायदा उठाने वाले अफराद थे, लिहाजा सबने कहा कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है। तो खुद अमीर शाम ने, हाकिम शाम ने यह कहा कि सबसे ज्यादा हकदार इस मनसब और इस हुकूमत के अली इब्न हुसैन हैं, हुसैन के बेटे अली अकबर हैं। और वजह भी बयान की का इसलिए कि इससे चौथे इमाम मुराद नहीं है, क्योंकि जो खसूसियात बयान किए उसके बाद हाकिम शाम ने, वो सब जनाब अली अकबर के ऊपर फिट होती हैं, उनके ऊपर मुंतबिक होती हैं, चौथे इमाम के ऊपर मुंतबिक नहीं होती। उसने कहा इसलिए कि अली इब्न हुसैन के अंदर बनी हाशिम की सखावत, शुजात भी है,
और अपने उसके हिसाब से उसके नजरिए के एतबार से बनी उमैया की सखावत भी है और सकीफ का करम और बुजुर्गवारी भी है। जनाब अली अकबर का ताल्लुक तीन जहत से तीन कबीलों से बयान किया हाकिम शाम ने। बनी हाशिम की शुजात इनके अंदर मौजूद है, लिहाजा हुकूमत के ज्यादा हकदार हैं। बनी उमैया की सखावत इनके अंदर पाई जाती है, पता नहीं कहां से ये खानदान सखावत में मशहूर हो गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी ये दूसरी सिफत कि ये सखावत इनके अंदर पाई जाती है। और तीसरी खसूसियत यह है कि बनी सकीफ की करामत और बुजुर्गवारी पाई जाती है। जनाब अली अकबर की मादर गिरामी, बुजुर्ग हमारे जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, जनाब अली अकबर की मादर गिरामी जनाब लैला, उनका ताल्लुक उसी कबीले से है जिस कबीले से जनाब मुख्तार है, सकफी कबीले से। इसीलिए बनी सकीफ कहा कि बनी सकीफ और कबीले सकीफ की करामत और बुजुर्गवारी इनके अंदर पाई जाती है जनाब अली अकबर के अंदर। बनी उमैया की तरफ निस्बत क्यों दी? इसलिए कि जनाब अली अकबर की मादर गिरामी जनाब लैला ये मैमूना की बेटी हैं और मैमूना अबू सुफियान की बेटी है, यानी अबू सुफियान की नवासी है जनाब अली अकबर की मादर गिरामी जनाब लैला, लिहाजा उसने अपने खानदान की तरफ भी निस्बत दी कि बनी उमैया अगरचे नानिहाल की तरफ से बहुत कम हिसाब होता है, लिहाजा जनाब लैला ब्याह के आई हैं अबू मुर्रा के हमरा, उनकी शादी हुई अबू मुर्रा से, और ये खानदान जनाब अली अकबर का ननिहाल नैजे बाजी में मशहूर खानदान था। और दूसरी सिफत इसकी ये थी कि करामत और बुजुर्गवारी इसके यहां कूट कूट के भरी हुई थी, जवां मर्दी जिसको कहा जाता है। लिहाजा दुश्मन को भी एतराफ है अली अकबर के कमालात का। चौथे इमाम मुराद नहीं है, वरना चौथे इमाम का ताल्लुक नानिहाली एतबार से ईरान से है, अरब से नहीं। लिहाजा चौथे इमाम मुराद नहीं, जनाब अली अकबर की तारीफ ये दुश्मन की जबान से, और दुश्मन ये एतराफ कर रहा है कि अली अकबर इस हुकूमत के ज्यादा हकदार हैं। ऐसा बेटा जब हुसैन के सामने आता होगा तो हुसैन को कितनी फरहत महसूस होती होगी और कितना खुश होता होगा हुसैन का दिल, जिसे शबीह पैगंबर, हमशक्ल पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर से मुशाबहत बहुत है इस खानदान में। आप शहजादी कायनात के बारे में सुनते रहते हैं कि शहजादी सबसे ज्यादा मुशाबहत थी अपने बाबा से। उम्मुल मोमिनीन की रवायत भी है और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की रवायत भी है कि पैगंबर के चलने के अंदाज में सबसे ज्यादा मुशाबे पैगंबर से शहजादी कायनात थी। अंदाज रफ्तार में चलने का अंदाज शहजादी का बेआईने वही था जो पैगंबर का अंदाज था। लिहाजा शहजादी अपने बाप की बेटी हैं, पैगंबर से मुशाबे हैं, शबाहत लेकिन रफ्तार में सिर्फ नकल की गई है कि चलने में शहजादी का अंदाज पैगंबर से मुशाबे है। खुद इमाम हुसैन और इमाम हसन मुजतबा अलैहिम सलातो व सलाम के लिए हम और आप ये सुनते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने के जो मुशाबहत दी गई है इमाम हसन की पैगंबर से मुशाबहत दो सिफात में, कि इमाम हसन हैबत पैगंबर में और पैगंबर की हैबत और पैगंबर की शुजात में इमाम हसन को मुशाबह करार दिया गया पैगंबर से। हैबत यानी रौब व जलाल, दबदबा, वही रोग वही जलाल जो पैगंबर के अंदर पाया जाता था, वही रोग और जलाल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए नकल हुआ है। और इमाम हुसैन की मुशाबहत पैगंबर से
بخشش اور سخاوت میں دی گئی ہے کہ بخشش اور سخاوت میں امام حسین پیغمبر کے مشابہ ہیں۔ لہذا ایسا نہیں کہ صرف جناب علی اکبر کی مشابہت ہو پیغمبر سے، امام حسین بھی پیغمبر سے مشابہ ہیں، امام حسن بھی پیغمبر سے مشابہ ہیں، شہزادی کائنات بھی پیغمبر سے مشابہ ہیں، یہ ساری زوات پیغمبر سے مشابہ ہیں، مگر کسی ایک خاص صفت میں مشابہ ہیں یا دو صفات میں مشابہ ہیں۔ لیکن جناب علی اکبر کے لیے امام حسین کا جملہ یہ ہے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ جب جناب علی اکبر کو رخصت کیا امام حسین نے تو مقاتل نے لکھا ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکنا اذا اشتقنا لقاء نبیک نظرنا الیہ۔ پروردگار گواہ رہنا اب دشمنوں میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، زبان اور لہجے میں تیرے پیغمبر سے اشبہ سب سے زیادہ مشابہ ہے، اتنا مشابہ ہے پیغمبر سے کہ کننا اذا اشتقنا لقاء نبیک، جب ہم تیرے پیغمبر کی ملاقات اور زیارت کرنا چاہتے تھے تو نظر نہ الیہ، اپنی اس جوان کو دیکھتے تھے تو وہی سکون اور وہی سرور محسوس ہوتا تھا جو نانا کی زیارت سے سکون اور سرور محسوس ہوتا تھا، ایسا جوان، ایسی مشابہت۔ خلقن و خلقن و منطقن، توجہ کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک لفظ کے اوپر جو مشابہت امام نے بیان کی ہے، خلقت کے اعتبار سے یعنی اعضاء و جوارح کے اعتبار سے، حالات خلقت کے اعتبار سے، جو پیغمبر کی خلقت ہے وہی اس میں یعنی سب سے زیادہ مشابہت خلقت کے اعتبار سے جناب علی اکبر کے وجود میں ہے، اعضاء و جوارح میں، صورت میں، سیرت میں پیغمبر سے مشابہ ہیں۔ خلقن، اخلاق پیغمبر میں، اخلاق پیغمبر میں مشابہ ہیں۔ عزیزو، خلقت اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی آدمی کے کہ اس کی صورت کیسی بنے، اس کی ناک کیسی ہو، اس کی آنکھیں کیسی ہوں، اس کا کان کیسا ہو، اعضاء و جوارح کیسے ہوں، صورت کیسی، چہرہ کیسا ہو، پیشانی کیسی ہو، یہ پروردگار تصویر کشی کرتا ہے۔ یصور فی الارحام ما یشاء، وہ جس کی جیسی صورت چاہتا ہے رحم کے اندر ویسی صورت تشکیل دیتا ہے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یعنی پروردگار نے گویا یہ چاہا کہ حسین کا یہ بیٹا خلقت کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے پیغمبر سے مشابہ ہو۔ لہذا پروردگار نے یہ اہتمام کیا کہ علی اکبر کو پیغمبر کی صورت پہ پیدا کیا۔ خلقن، اخلاق کے اعتبار سے، اخلاق یہ انسان کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہے، یہ آدمی حاصل کرتا ہے، یعنی علی اکبر نے اس 18 برس میں پیغمبر کے اخلاقیات کو اپنے اندر ایسے جلوہ گر کیا تھا، پیغمبر کے اخلاقیات کو اس طرح سے اپنایا تھا کہ امام وقت گواہی دے رہا ہے کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مشابہ ہیں پیغمبر سے۔ ومنطقاً، زبان اور گفتگو اور لہجے کے اعتبار سے علی اکبر سب سے زیادہ مشابہ پیغمبر اسلام سے۔ لہذا امام نے یہ تین خصوصیات جو جناب علی اکبر کی بیان کیے، بعض علماء اور عرفاء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جناب علی اکبر اور بعض اور ذوات عصمت کی منزل پر فائز، البتہ وہ عصمت نہیں کہ جو اصطلاحی معصوم ہے یعنی 14 معصوم، اس عصمت کے درجے پر نہیں، لیکن ایسی عصمت کہ ان کی زندگی میں کہیں گناہ کا نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے، ایسی عصمت بہرحال پائی جاتی ہے، اور اس کی گواہی زیارت کے جملوں سے بھی ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت پہلی رجب کے لیے نقل کی گئی ہے
कि पहली रजब को जो इमाम हुसैन की जियारत पढ़ी जाए, उस जियारत में इमाम की जियारत के बाद जो जनाब अली अकबर की जियारत के फिक्रे हैं, जो मासूम से नकल है, उस जियारत में जुमले आए हैं कि अल्लाह ने तुम्हें उन अहले बैत में करार दिया है कि अल्लज़ीना अज़हब अल्लाह अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अय अली अकबर, अल्लाह ने तुम्हें उन अहले बैत में करार दिया है जिनसे हर रिज्स को परवरदिगार ने दूर रखा है। इसका क्या मतलब है? यानी इस्मत पाई जाती है। जिस तरह से आयते ततहीर अहले बैत की इस्मत कुबरा को साबित करती है, वहीं अली अकबर के दामने किरदार की तहारत और पाकीजगी को भी छठे इमाम ने इस रिवायत में, इस जियारत में साबित किया है कि इनका किरदार वैसा ही पाक और पाकीजा है जैसे अहले बैत जो साहिबान ततहीर हैं उनका किरदार पाक और पाकीजा है। अलबत्ता उनकी इस्मत, फिर कह दूं ताकि ये इश्तबाह और गलत पैगाम न जाए कि उनकी इस्मत का दर्जा वही है जो मासूमीन का, नहीं। मासूमीन की इस्मत का दर्जा इस्मत का आखिरी दर्जा है कि जो दर्जा अंबिया को भी नसीब नहीं है, इसलिए कि अंबिया के यहां तरके औला है लेकिन मासूमीन के यहां, अहले बैत के यहां तरके औला भी नहीं है। लिहाजा ये एक जुमला जनाब अली अकबर के लिए सिर्फ इस्मत के मकाम के हामिल, यानी जिंदगी ऐसी पाक और पाकीजा जैसे मासूम की जिंदगी होती है। जनाब अली अकबर के लिए फिर दूसरी जियारत का एक फिक्रा आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जियारत हैं, उन जियारतों में कुछ जियारतें मुतलक हैं और कुछ जियारतें मखसूस अय्याम के लिए हैं कि ये 15 रजब की जियारत है, ये 15 शाबान की जियारत है, ये शब ईद की जियारत है, ये रोज़ ईद की जियारत है। वो अलग अलग जियारतें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नकल हुई हैं उनमें कुछ जियारतें मुतलक नकल हुई हैं, यानी उसको कभी भी पढ़ा जा सकता है किसी भी मौके पर। उन जियारतों में जो पांचवी जियारत, जियारत मुतलक इमाम हुसैन, पांचवें नंबर की जियारत, उस जियारत में जो मासूम से नकल हुई है, मासूम ने जनाब अली अकबर को वलीयुल्लाह कह के खिताब किया है कि अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह वबन वलीये, ऐ अल्लाह के वली और अल्लाह के वली के बेटे अली अकबर, तुम पर हमारा सलाम हो। इसका मतलब यह है कि मासूम की निगाह में, जिससे ये जियारत सादिर हुई है, उस मासूम की निगाह में अली अकबर मकाम विलायत के हामिल भी हैं, वरना मासूम किसी को ऐसे वलीउल्लाह नहीं कहेंगे। वलीउल्लाह कहना यह बताता है कि अली अकबर मकाम विलायत के हामिल हैं। अलबत्ता यहां भी वही बात आएगी कि वो मकाम विलायत जो आइम्मा मासूमीन और चहारदा मासूमीन को हासिल है, वो मासूमीन से मखसूस है। उस मकाम विलायत तक कोई नहीं पहुंच सकता है, लेकिन विलायत का उससे नीचे के जो दर्जात हैं, उस दर्जात पर, उन दर्जों पर जनाब अली अकबर भी फायज हैं। ऐसा बेटा जो वलीउल्लाह हो, ऐसा बेटा जो साहिबान ततहीर और उस घराने से ताल्लुक रखता हो जिनके यहां इस्मत कुबरा पाई जाती है, इमाम हुसैन अपने इस बेटे को देख के कितना मसरूर होते होंगे और कितना खुश होते होंगे। बाज मकातिल ने जो जुमले लिखे हैं जनाब अली अकबर के लिए कि जब जनाब अली अकबर आए मैदान में तो इनकी पैगंबर से मुशाबहत को देख के दुश्मन का लश्कर यह कहता था कि ये पैगंबर जवान हो के मैदान में आ गए क्या, ऐसे जुमले थे। और किसी की जबान पर बरजस्ता ये कलमात जारी थे जनाब अली अकबर की खूबसूरती को देख के कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बहुत पाक और पाकीजा है वो जात जो बेहतरीन खिलकत अता करने वाली है, यानी अहसनुल खालिकीन का एक नमूना और एक मिसदाक हुस्न खिलकत का जनाब अली अकबर का वजूद था। जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास दोनों का हुस्न मशहूर था अरब में,
हालात में इनके मिलता है कि मदीने में जब ये चचा और भतीजे एक साथ कभी निकलते थे तो लोग अपनी दुकानों पर पर्दे डाल के इनका हुस्न और जमाल देखने में मोह हो जाते थे। ऐसी खूबसूरती का मालिक बेटा कैसे रुखसत किया हुसैन ने, नहीं मालूम मुझे। और सिर्फ जाहिरी खूबसूरती ही नहीं थी अली अकबर के यहां, बल्कि मारिफत भी वैसे ही थी। मारिफत में डूबा हुआ बेटा कि जब राह करबला में एक मंजिल पर इमाम की आंख लगी और इमाम नींद से बेदार हुए तो बेसाख्ता जमान पर यह जुमला निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटा उस वक्त सामने मौजूद था, कहा बाबा ये कलमा इस्तिरजा जमान पे क्यों जारी किया? कहा बेटा अभी आंख लगी थी कि मैंने देखा कि एक मुनादी निदा दे रहा है कि ये काफिला आगे आगे जा रहा है और मौत इसके पीछे पीछे चल रही है। कहा बाबा अलसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? इमाम ने फरमाया बेटा अगर हम हक पे नहीं होंगे तो कौन होगा हक पर? हम ऐने हक हैं, असले हक हैं। ये सुनना था कि बेटे ने आवाज दी, मारिफत से भरा जुमला, कैसी मारिफत है इस बेटे की? ये खाली जाहिरी जमाल और जाहिरी खूबसूरती और मुशाबहत पैगंबर से नहीं थी, मारिफत भी उसी दर्जे की, उससे कमाल के दर्जे की। आवाज दी या अबताह ला इजन ला नुबाली बिल मौत, बाबा जान हम हक पे हैं तो फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं है कि हम मौत पे जा पड़े या मौत हमारे ऊपर आ पड़े। ये मारिफत से भरा हुआ जुमला जनाब अली अकबर का एक तरफ इमाम की तरबियत को बताता है, एक तरफ अली अकबर की मारिफत को दिखाता है। ऐसा बेटा हुसैन लेके आए हैं करबला के मैदान में जिसे हुसैन राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, कर दिया कुर्बान हुसैन ने। इस्माइल से बड़ी मोहब्बत थी जनाब इब्राहिम को, आप सुनते हैं ना, क्योंकि बड़ी मन्नत और मुरादों से जनाब इस्माइल पैदा हुए थे, लेकिन हुक्म परवरदिगार था और जानते थे जनाब इब्राहिम कि परवरदिगार इस बेटे को जिबा नहीं होने देगा। ला के जब मिना में लिटा दिया और बेटे के गले पे छुरी चलाने की बारी आई तो इब्राहिम जैसा साबिर बंदा, खलील बंदा, मुहिब्बे परवरदेगार, दोस्त परवरदेगार बंदा जब छुरी चलाना हुई इस्माइल के गले पर तो इस्माइल को पहले रुमाल दिया कि इसे मेरी आंखों पे बांध दो, मैं तुम्हारे गले पे चलती हुई छुरी नहीं देख सकता, ये इब्राहिम है और वो हुसैन करबला का इब्राहिम है, फख्र इब्राहिम है, जिसने अपने जवान के कलेजे से नैजे का फल निकाला है। कौन मुकाबला कर सकता है हुसैन के सब्र का और कौन सोच सकता है कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने कैसे इस बेटे को रुखसत किया होगा, कितनी तमन्नाओं से पाला है। और अली अकबर की परवरिश में सिर्फ इमाम हुसैन का हाथ नहीं है, जैनब ने भी अली अकबर की परवरिश में हिस्सा लिया है। और यही वजह थी कि जब अली अकबर आते थे बार बार इजाजत के लिए और आखिर में मौला मजबूर हो गए तो इमाम ने अली अकबर से कहा कि ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ, हमारी तरफ से इजाजत है, लेकिन जाने से पहले अपनी फूफी जैनब से रुखसत हो लो। अली अकबर जनाब जैनब के खैमे में आ गए और आने के बाद तारीख कहती है कि बीवियों ने जो अपने एहसासात का इजहार किया है, कोई ये कहता था कि अली अकबर मौत के लिए जल्दी ना करो, ला तस्ताजिल बिल मौत, अली अकबर हम तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हमसे सब्र नहीं हो पाएगा अला फिराकिक तुम्हारी जुदाई के ऊपर। और जनाब अली अकबर जब आके अपनी फूफी के सामने खड़े हुए तो एक मरतबा फूफी ने सर से पैर तक बेटे को देखा, समझ गई। लेकिन अली अकबर ने एक जुमला कहा जिससे जनाब जैनब ने अली अकबर को रुखसत कर दिया।
आवाज दी, फूफी अम्मा आपका ये बेटा यकीनन आपको महबूब है और बहुत प्यारा है, लेकिन ये बताइए कि अगर रोज़े महशर दादी फातिमा जहरा ने ये सवाल कर लिया कि मेरा हुसैन तुम्हें ज़्यादा प्यारा था या अपना अली अकबर ज़्यादा प्यारा था, तो आप क्या जवाब देंगे? माँ का नाम सुनना था कि जैनब की आंखों से आंसू जारी हो गए, का बेटा अली अकबर तुमने ऐसी जात का हवाला दिया है कि अब जैनब तुम्हें नहीं रोक सकती, मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज। किस तरह से जनाब अली अकबर खैमे से निकले हैं उसे जो तारीखों ने नकल किया है, मकातिल ने बयान किया है कि जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो अली अकबर अपनी हयात में इस तरह खैमे से निकले और बार बार खैमे का पर्दा गिरता था और उठता था, अली अकबर पर्दा हटा के बाहर निकलना चाहते थे, कभी पीछे से जैनब दामन पकड़ती रही होगी, कभी उम्मे कुलसूम ने दामन पकड़ा होगा, कभी लैला ने दामन पकड़ा होगा, कभी बहन सकीना लिपट गई होगी, भैया अरे ये बहन किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी। अली अकबर रुखसत हो गए खैमे से, आका हुसैन की खिदमत में आ गए, इमाम ने अपने बेटे को सरापा देखा, रुखसत किया, यही जुमला फरमाया कि परवरदिगार अब उसे भेज रहा हूं। अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतकन बिरसूलिक, परवरदिगार गवाह रहना अब वो जा रहा है जो सीरत व सूरत में रफ्तार व गुफ्तार में तेरे पैगंबर से मुशाबे था, कि जब हम नाना की जियारत के मुश्ताक होते थे तो इसकी जियारत का शरफ हासिल करते थे, नाना की जियारत वाला सुकून नसीब होता था। हुसैन ने अपने बेटे को घोड़े पे सवार किया, अली अकबर चंद कदम चले थे कि एक मर्तबा कानों में कुछ आहट महसूस हुई, रुके अली अकबर, देखा बूढ़ा बाप जिसने रुखसत कर दिया है अली अकबर के पीछे पीछे चला आ रहा है, घोड़े से उतर गए, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था, अब ये आने का सबब क्या है? हुसैन ने अजीब जुमला कहा, आवाज दी अली अकबर, है काश तुम साहेब औलाद होते तो तुम्हें एहसास होता कि बूढ़े बाप के दिल में एक जवान बेटे के लिए क्या तमन्नाएं होती है। जज़ाकुम रब्बुकुम। अब बेटा अली अकबर जाओ मैं नहीं रोकता, लेकिन इतना करना कि जब तक मेरा और तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखते रहना, ताकि आखिरी लम्हे तक मैं ज़ियारते पैगंबर का शरफ हासिल करता रहूं, मैं तुम्हारे दीदार से फैजियाब होता रहूं। अली अकबर जब तक मुमकिन हुआ हुसैन की तरफ रुख करके देखते रहे, और जब लैला का ये चांद बदलियों में घिर गया, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, अली अकबर ने अपने दादा अली मुर्तजा की शुजाअत दिखाना शुरू की। तारीख ने जो कम से कम तादाद लिखी है कि अली अकबर ने पहले ही हमले में 120 दुश्मनों को फिन्नार किया। लैला का ये लाल 3 दिन का भूखा भी है प्यासा भी है, शिद्दत आतश से असलहों की शिद्दत और गर्मी से धूप की तपिश से एक मर्तबा प्यास ने अली अकबर को बेचैन कर दिया। अली अकबर बाबा की खिदमत में आए, लेकिन मैं ये कबूल करने को तैयार नहीं, मेरा दिल कबूल करने को तैयार नहीं कि अली अकबर पानी मांगने आए होंगे, शायद अपने बाबा को आखिरी दीदार कराने आए हों कि बाबा एक बार हयात में मुझे और देख ले, कि मेरे बाबा को मेरी ज़ियारत का जो इश्तियाक है वो एक बार फिर पूरा हो जाए। आओ बाप की खिदमत में पलट के। और अब उस मौके पर आए हैं, उस मौके पर आए हैं जब एक शदीद पहलवान को पछाड़ के आए हैं। बास तारीखों ने लिखा है जनाब लैला के वजूद को, अगरचे अक्सर नहीं मानते, लेकिन जिसने लिखा है उसने ये भी लिखा है
कि जनाब लैला दर खैमा पे खड़ी हैं, फिजा को खैमे से बाहर खड़ा कर दिया है कि मेरे आका हुसैन के चेहरे पे नजर रखना, अगर मेरे लाल पे कोई बुरा वक्त आएगा तो आका के चेहरे का रंग मुतगैर हो जाएगा और जैसे ही ऐसा हो मुझे खबर देना। जनाब फिजा खड़ी हैं, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फिजा को बुलाया, फिजा जाओ अली अकबर की माँ से ये कहो, मैंने अपने नाना से सुना है मेरे लाल अकबर का किसी नामी शामी पहलवान से मुकाबला है, जाओ मेरी जाओ अली अकबर की माँ लैला से ये कहो कि मैंने अपने नाना से सुना है कि अल्लाह माँ की दुआ औलाद की हक में कभी रद्द नहीं करता, बहुत जल्दी कबूल कर लेता है, मेरे लाल का मुकाबला एक शामी पहलवान से है, अकबर की माँ लैला से कहो कि अकबर के लिए दुआ करे। ये पैगाम लैला तक पहुंचा, लैला ने मुसल्ला बिछा दिया, हाथों को दो रकात नमाज पढ़ के पलट किया, अरे याकूब को यूसुफ को याकूब तक पलटाने वाले मेरे यूसुफ को हुसैन तक पलटा दे, अभी दुआ तमाम ना हुई थी कि बेटा मैदान से जंग करके आया है, दुश्मनों को फिन्नार करके आया है, बाप की खिदमत में वारिद हुए, बाप ने बेटे को देखा दिल खुश हो गया, अली अकबर ने चाहा कि बाप के गम को बांटा जा सके, शिद्दत प्यास को कभी बाबा के होठों पे देखा, कभी चेहरे और पेशानी पे देखा, अली अकबर ने चाहा कि बाप की शिद्दत प्यास को कम किया जा सके, आवाज दी बाबा शिद्दत प्यास मारे डाल रही है, अगर चंद कतरे आप मिल जाता तो मैं इन फौजियों दुश्मनों को बताता कि अली के घर आने की शुजाअत क्या होती है, हुसैन ऐसा मजबूर कि अपने बेटे को एक कतरा आब नहीं दे सकता, साथिये कौसर का लाल अपने बेटे को एक कतरा पानी नहीं दे सकता। जजाकुम रब्बकुम। हुसैन ने आवाज दी, बेटा अली अकबर लाओ अपनी जबान मेरी जबान में दे दो, शायद हुसैन ने चाहा हो कि जैसे बचपन में नाना की जबान चूसा करते थे, अब शबीह पैगंबर जा रहा है तो इसकी जबान अपने दहन में ले ली जाए, वरना इमाम भी अपनी जबान अली अकबर के दहन में दे सकते थे। अली अकबर ने जैसे ही बाप के दहन में जबान दी, मकातिल लिखते घबरा के अली अकबर ने अपनी जबान बाहर निकाल ली, आवाज दी बाबा आपके दहन में मेरे दहन से ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं, आपकी प्यास मुझसे ज्यादा है। इमाम ने आवाज दी, बेटा ये मेरी अंगूठी अपने दहन में रखो, जाओ नाना जा में कौसर लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर को दोबारा रुख्सत किया, अली अकबर मैदान में आए, कताल शुरू किया, एक मशहूर नैजाबाज जिसका नाम तारीख ने मुर्रा इब्ने मुनकिज लिखा है उसे मामूर किया गया अली अकबर को जख्मी करने के लिए, उसने निशाना लेके हुसैन के करियर जवान को लैला की 18 साल की कमाई पर नैजे से वार किया, नैजा अली अकबर के सीने में दराया, हुसैन का ये जवान घोड़े से जमीन की तरफ चला, आवाज दी ए बाबा अलैका मिन्नस सलाम, हर गिरने वाला मदद के लिए बुलाता था, अकबर ने मदद को नहीं बुलाया, बस इतना कहा बाबा जहां हो बेटे का आखिरी सलाम ले लो, बेटा आपको अपने लाशें पाने की जहमत नहीं देता। जज़ाकुम रब्बकुम। खुदा आपके जवानों को सलामत रखे। लैला की गोद उजड़ गई, हुसैन ने बेटे की आवाज सुनी, हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मक्तल की तरफ चले, लेकिन आलम यह है कि घोड़े से उतरना चाहते हैं तो हुसैन घोड़े से उतर नहीं पाए, घोड़े से हुसैन जमीन पर गिरे और अब पैदल चलने की सकत भी नहीं, नूर नजर
जाता रहा, कुछ दिखाई नहीं देता। हुसैन गुटलियों के बल चलते हुए अकबर के लाशे के करीब पहुंचे, देखा जवान रेत पे एड़िया रगे रहा है, एक हाथ सीने पे है, सर उठा के आगोश में रखा, मेरे लाल किस आलम में हो। जज़ाकुम रब्बुकुम, बेटा ये सीने पे हाथ क्यों है? आवाज दी बाबा, नैजे का फल सीने में टूट गया है, अगर वो निकल आए तो शायद कर्ब में कुछ आराम हो जाए, बेचैनी कुछ कम हो जाए। हुसैन दो जानू हो के बैठे, खलील खुदा ने जन्नत छोड़ दी, अंबिया करबला के मैदान में आ गए हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए। हुसैन दो जानू हो के बैठे, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से नैजे का फल पकड़ा, या अली कहके नैजे का फल निकाला, जवान का कलेजा बाहर आ गया। हुसैन ने बेटे के होठों पे होंठ रख दिया, खून का फव्वारा जारी हुआ, फरियाद और मरसिया शुरू की हुसैन ने, या बुनैया लकद इस्तराहता मिन हम दुनिया व गमहा व बकिया अबूका वहीदन फरीदा। ए मेरे लाल, अरे तुम हमो गम में दुनिया से नजात पा गए, आओ अपने बाबा की बेबसी और बेकसी और तन्हाई देखो, बकिया अबू का वही दन फरीदा। जज़ाकुम रब्बुकुम। हुसैन अकबर की लाश कैसे उठाएं? हुसैन ने बड़ी लाशें उठाई है सुबह से अब तक, जो हुसैन होर के जवान का लाशा उठा लाए, अकबर का लाशा उठाने की कोशिश की हुसैन ने, मगर हिम्मत जवाब दे जाती थी। आखिर में मकातिल ने एक जुमला लिखा है कि जब हुसैन की हिम्मत न हो सकी कि जवान का लाशा उठाएं, तो हुसैन ने खैमे का रुख किया, आवाज दी, या फितियाना बनी हाशिम हलुम्मू एहमलू अखीकुम, ए बनी हाशिम के नौजवानों और बच्चों, अरे आओ अकबर का जनाजा उठाने दे, बूढ़े बाप की मदद करो, अब हुसैन से अकबर का लाशा नहीं उठता। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयालमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यन्क़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात जहां जहां उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तमाम आज़ादारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। माबूद जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम में जो बीमार हों उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो हाजतें रखते उनकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम फरमा, जो बारोज़गार हैं उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार हमारे वालिदैन मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें मासूमीन के जवार में जगह अता फरमा, जो बाहयात हैं उन्हें तूल उम्र और सेहत अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी आज़ादारी मातमदारी नौहोगिरी को कबूल फरमा, हमें इमाम के आज़ादारों में करार दे, दुनिया और आखरत में इमाम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में करार दे। रब्बना व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस।